आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं, क्या शिकायत हो रही थी आपके बच्चे को? इसकी ये जन्म हुआ ना, तो फिर इसके डॉक्टर ने बताया कि इसके CFS का प्रॉब्लम है, इसके मतलब सिर का बड़ा ही ज्यादा हो गया वगैरह, वो प्रॉब्लम है हाइड्रोसिफिलस। तो फिर हम जिस दिन हुआ बच्चा उसके दूसरे दिन ही पुनः ले गए इसको, फिर वहाँ ले गए तो उसने वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसका जो माइंड में है वो पानी का भराव जा रहा है, तो इसके लिए इसके अंदर अपने को शंट बिठाना पड़ेगा, पानी का भराव ज्यादा है तो इससे इसका माइंड डेवलप होने के वजह कारण इसके शंट बैठाना पड़ेगा। जी जी। फिर उसके शंट बैठाया, शंट बैठाने के बाद वो शंट 5 दिन में मतलब लीकेज हो गया यहाँ से, हाँ लीकेज हो गया, तो वापिस हम उस डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसने बोला कि अभी इसके प्रोटीन ज्यादा बन रहा है तो ये शंट निकाल के दूसरा इस साइड शंट डालना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। फिर हमने वहाँ पूना में सूर्या हॉस्पिटल है, वहाँ से फिर उसको कह दिया कि हमें डिस्चार्ज कर दो, हम जाएंगे अभी अहमदाबाद। फिर वहाँ से हम निकल गए अहमदाबाद इसको लेके ही, वहाँ से ही फिर अहमदाबाद जाके वहाँ एप्पल हॉस्पिटल में बताया, तो एप्पल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इसका पहले तो इसका नक्शा बनाया, क्योंकि इसके माइंड का एक तो वो पर्दा नहीं है और प्लस इसका माइंड भी मतलब डेवलप होने लायक नहीं है, और इसके मतलब एक नक्शा बनाएगा, अभी इसको महीने भर तक देखेंगे और महीने भर के बाद में जब भी तब इसका पता चलेगा कि इसके वास्तव में पानी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो वो जो पूना डाला था शंट वो अहमदाबाद में उन डॉक्टरों ने निकाल दिया और फिर वहाँ पे वापस सिंपल ऑपरेशन कर दिया। फिर डॉक्टर ने महीने भर बाद में वापस इसको देखा, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसके तो वास्तव में पानी तो भर रहा है और सिर भी बढ़ रहा है, तो इसके मतलब वो शंट डलवाना जरूरी है, आपको डलवाना ही पड़ेगा 100%, अगर नहीं डलवाया तो इसकी आंखें भी ऊपर जाएगी और इसका माइंड भी डेवलप नहीं होगा और ये मतलब इसके किसी भी शरीर के अंग पे मतलब इफेक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी अंग मतलब इसके ऐसे हो सकता है, इसकी आंख कोमे में चला जाना या इसको लकवा मार जाना या ऐसा कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसने बोला, फिर हमने कहा कि हमें ऑपरेशन करवाना है नहीं, मतलब शंट इसके कितने दिन चल पाएगा, तो उसने कहा कि शंट इसके 5 दिन भी चल सकता है और 5 साल भी चल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो ईश्वर के भरोसे। फिर हमने इसको ईश्वर के भरोसे घर ले आया राजस्थान। फिर हमने नेट पे इंटरनेट पे इसका बहुत देखा, कभी कोई कोई तो इलाज होगा जो शंट के अलावा अपने को मिले तो वो रात भरा हो सकता है। तो फिर हमने डॉक्टर सरपाल जी का वो जो भी नेट पे वीडियो वगैरह वो देखे, तो फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करके फिर हम अगस्त महीने में यहीं आ गए डायरेक्ट डॉक्टर साहब से मिलने, और वहीं से ही 10-11 महीने से हमारा जो भी दवाई दी वगैरह उससे जो भी इसको दी उससे इसके बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब कि अभी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसके कोई मतलब CFS का प्रॉब्लम भी है। वापस हमने CT स्कैन भी करवाया, उसमें भी इसके काफ़ी इफेक्ट बताया कि माइंड भी डेवलप हो रहा है, जो अहमदाबाद में डॉक्टरों ने वगैरह कहा, हाँ। जो पूना में डॉक्टरों ने वगैरह कहा वो सब गलत सिद्ध हुआ, वो सब गलत सिद्ध, उनकी वैसे कोई गलती नहीं थी क्योंकि इसकी MRI रिपोर्ट में ही आया था कि इसका वाइट मैटर जो है वो एजेनेसिस है, वो नहीं अभी बन रहा है ना, और इसकी सभी MRI रिपोर्ट उन्होंने इसी के आधार पर इसे कहा था, अंदर इन्फेक्शन भी आ गई थी और इस समय बच्चा अपना नेक होल्डिंग खुद कर रहा है। हाँ, उस समय तो कहा था ये चल भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकेगा, ये आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, कोमा में भी जा सकता है, लकवा भी, मतलब कुछ ना कुछ अंग पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जी जी। लेकिन अभी तक तो कोई भगवान ने सब सही रखा और अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है, चल भी रहा है, हालांकि अभी ये थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम रहा है तो धीरे धीरे और इम्प्रूव करेगा, तो इसे आराम मिल गया है। 11 अगस्त 2017 में आए थे हमारे यहाँ, है ना, इसके भी पूरा हेड भी पूरा बंद है, पूरे सूचर्स बंद हो चुके हैं, है ना, बच्चा इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये रिएक्ट ही नहीं कर सकता है और ये पूरा नॉर्मल बच्चों की तरह सब इधर उधर सब बातें समझ रहा है, अपना रिस्पांस देता है, हंस रहा है या खेल रहा है ना, इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, भी बहुत इसका ब्रेन बिल्कुल कुछ भी जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ है, जो रिपोर्ट के हिसाब से डिसीज हो चुकी थी, है ना, कॉर्पस कलोसम में भी एजेनेसिस थी ठीक, और ये कॉल्पोसेफेली थी, है ना, बिल्कुल वो पीछे का पोस्टीरियर पोर्शन सेंट्रल हॉर्न इसका थोड़ा सा डायलेट हो चुका था क्योंकि वाइट मैटर में एजेनेसिस ही था, और अहमदाबाद में तो लगभग सभी हॉस्पिटलों में इसको दिखा लिया, सभी ने कहा कि शंट ही डालना पड़ेगा,
शंट ही डालना पड़ेगा और मतलब प्राइवेट भी पूरे देख लिए, अपना सिविल भी देख लिया। सिविल में भी जरूर एक डॉक्टर को मैंने पूछा था तो उसने ये जरूर कहा था कि इसके जो पहले पाने था ना अभी भी पानी वही है, लेकिन इसके मतलब हेल्थ ऑपरेशन जरूर करना पड़ेगा। उसने भी ऑपरेशन का ही बोला, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उसने तो कहा था कि शाम को आप मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर हम निकल गए वहाँ से। आप लोग वहाँ से निकल गए, अभी कोई ऑपरेशन भी नहीं करा है और बच्चे ने अपना रिस्पांस देना भी शुरू कर दिया है। अब ये कुछ रिस्पांस देता है, बोलता है, बोलता है, बोलता है, हरकतें करता है, हंसता है, खेलता है, है ना? सभी, कोई इसमें नहीं लगता कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके थोड़ा सा। अच्छा, इससे कोई भी हमारी दवा के बचने के बाद कोई भी फिट आना, कोमा में नहीं है, सब कुछ उल्टा इसको वो बीच में बुखार बुखार आया तो भी वही आपसे ही दवाई वही दी हमने, वो एलोपैथी की दी। एलोपैथी की मैंने कोई खाई ही नहीं, खाई नहीं। होम्योपैथी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ का जो होम्योपैथी का इलाज लगभग मैंने जो ये थे ना ये दवाई वाले जो अहमदाबाद वगैरह जो भी है वो भी ये कह रहे थे कि होम्योपैथिक में इतना इम्प्रूव नहीं करता, लेकिन हमने आपके यहाँ से दवाई ली तो हमें पता चला कि भाई होम्योपैथिक भी कितना इम्प्रूव करता है। मैं रेगुलर लेके जाती हूँ ना, वो भी ये कह रहे थे होम्योपैथिक क्या लेके बैठे होम्योपैथिक को, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने के बाद पता चला जी इसका असर बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, रिजल्ट भी बहुत देर आता है पर भले ही। हाँ अच्छा, हमने फिर वहीं से चालू रखी और फिर ईश्वर के भरोसे मैंने कहा सब रिसीव करना, लेना देना है ना, बच्चे के साथ अपने भाई के साथ खेलना, भूख लगती है रोना वगैरह सब सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके। लेकिन अगर इन्हें अलग से भी बिठाएं तो ये इन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के भी सपोर्ट की, ये अपना सर खुद सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब अंदर इतना प्रेशर नहीं है कि बच्चा जो है तो बहुत तेज प्रेशर बनता है, सर का अपनी हैवीनेस की वजह से नहीं होता है। पहले लटकाते भी थे ऐसे ऐसे, हाँ पीछे को चला जाता था, नहीं लटका पहले। इसकी आंखें भी थोड़ी वैसी होती थी, अभी धीरे धीरे मतलब कम हो रही है, मतलब ऊपर चली जाती थी। जी जी जी, प्रेशर के चक्कर में अभी ऐसे सामने भी देख पाता है ऐसे। हाँ, अब तो बहुत सुंदर भी, पहले ऐसे नीचे देखता तो पूरा नहीं देख पाता था, अभी पूरा नीचे देखता है। हाँ, पूरा नीचे देख रहा है, हर चीज ऑब्जर्व, पहले नहीं देख पाता था नीचे, है ना? ये इतनी ये सब चीजें भी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है इस बच्चे की। ये कोई कहेगी इसकी है ही नहीं रिपोर्ट, डॉक्टर ने तो इतना कहा था कि इसका दिमाग ही नहीं बनेगा, आप भले इसको लेके कहीं पे भी जाओ। वो दिमाग पे ही उन्होंने करा था और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यही है। 5% के भगवान के भरोसे कोई चांस हो तो। जी जी जी, और वो होम्योपैथी में आपको बहुत मिला। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, है ना? आपके बच्चा ठीक हुआ, है ना? था तो बहुत ही क्रॉनिक केस और बिल्कुल इम्पॉसिबल ही केस था ये। हाँ, और कंजेनिटल डिसऑर्डर होते हैं ये, और उसमें इस बच्चे को बहुत राहत आई। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।